What is faith? And what is the difference between faith and belief? I believe that Ethiopia is a poor country. I believe that Germany is a rich country. Is it my faith? Why it is not my faith? I'll tell you why it is not my faith and why it is my belief. Because it is reasonable. Anything, any belief, which is devoid of logic, reason, rational, evidence, witness, that is faith. Anything which is devoid of all the logic, all the reason, all the rational, all the witness, all the evidence, that is faith. And I really wondered, what is the difference between faith and stupidity? Because that is, it has, stupidity has the same definition. चलें स्टुपिडिटी और नॉन स्टुपिडिटी को डिफाइन कीजिए। मुफ्ती साहब से सवाल है कि अभी आप मुफ्ती साहब जैसे बोल रहे थे कि वो शायद काफी पहले आए थे कि अगर आपके बॉस अगर आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए तो आप क्या करेंगे, ऐसा कुछ था ना डिबेट चल रहा था? नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आपके नजदीक, डिबेट नहीं थी वो, सवाल था, मैंने उनसे पूछा था कि आपके नजदीक आपका जो बॉस है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आपका क्रिएटर? हाँ देखिए, अगर मेरा बॉस रतन टाटा है या असीम प्रेम जी जैसे लोग हैं या अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं तो मैं सारी उम्र भी नमाज नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, और अगर मेरे बॉस इनमें से कोई एक भी हो तो खुदा के सामने ये मिट्टी के धूल के बराबर है, बिल्कुल उससे भी कम दर्जे के हैं? कौन? ये तीनों इंक्लूडिंग अब्दुल कलाम? नहीं, ये आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। ठीक, अच्छा, आप मेरे लिए, मेरे लिए, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो उनके साथ रह, उनके जो नीचे जो काम कर रहा हूँ। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आपने एक बात रख दी ना, रतन टाटा मेरे नजदीक इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा चूंकि रतन टाटा का भी एक खालिक, एक बनाने वाला है। अजीम प्रेम जी इम्पोर्टेंट नहीं होगा चूंकि अजीम प्रेम जी का भी क्रिएटर है, वही क्रिएटर जिसने मुझे बनाया, जिसने अजीम प्रेम जी को अजीम प्रेम जी बनाया, वो अपॉर्चुनिटीज दी, अजीम प्रेम जी अजीम बन गया। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज देने वाला कोई और है। अजीम प्रेम जी कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखवा कर नहीं आए थे इस दुनिया में कि जी मुझे जो है वो बिलियनर बनना है और मुझे ये काम करना है। तो जब अपॉर्चुनिटीज देने वाला, रिस्क देने वाला, उस इंसान को वो इंसान बनाने वाला और उसको वो देने वाला वो है, ऊपर वाला है, तो हमारे नजदीक उसकी अहमियत है। ये सारे के सारे तो बंदे हम जैसे। जी आप म्यूट पर हैं भाई। हेलो हेलो जी। हाँ, मैं मतलब आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं क्रिएटर क्रिएटर को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं यही मानता हूँ क्रिएटर हम नहीं बनाए, क्योंकि आप क्रिएटर को ही नहीं मानते। जब क्रिएटर को मानते ही नहीं है तो अजीम प्रेम जी का, मैं भी आपका बॉस रहूँ तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? सही बात है। अगर आप अच्छे, अगर नहीं, अगर आप अच्छे आदमी होंगे तो नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो मैं आपके आपके यहाँ से नौकरी छोड़ दूंगा। अच्छा अच्छा, अगर मैं बुरा आदमी होंगे तो आप नमाज पढ़ेंगे? मैं आपके यहाँ काम ही नहीं करूंगा ना। चले ठीक है, सही है। आप अपने वर्ल्ड व्यू के अतबार से इसको कैसे जज करेंगे कि आसिम भाई अच्छे आदमी है या बुरे आदमी है, अजीम प्रेम जी अच्छा आदमी है बुरे आदमी है, कैसे जज करेंगे? मेरे हिसाब से अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, अच्छा बुरा एक एट्रीब्यूट है, अच्छा बुरा एक एट्रीब्यूट होता है। स्टूपिडिटी भाई, वो तो सबको पता है, नॉन स्टूपिडिटी। आपने कहा अच्छा बुरा कोई चीज नहीं होती। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छा बुरा एक क्वालिटी है किसकी, स्टूपिडिटी और नॉन स्टूपिडिटी की। एनीथिंग स्टूपिड इज ऑलवेज बैड, एनीथिंग नॉन स्टूपिड इज ऑलवेज। अच्छा ठीक है, तो अगर आप चलें स्टूपिडिटी और नॉन स्टूपिडिटी को डिफाइन कीजिए। स्टूपिडिटी ये हो गया कि आदमी कुछ काम कर रहा है, ना अपना भला कर रहा है, ना दूसरे का भला कर रहा है, दूसरे का नुकसान कर रहा है या अपना नुकसान कर रहा है किसी भी एक्ट से, वो स्टूपिड एक्ट हो गया, तो वो अच्छा हो ही नहीं सकता। नॉन स्टूपिडिटी क्या हो गया कि वो या तो अपना भला कर रहा है किसी काम से, या किसी दूसरे का भला कर रहा है, या दोनों का भला कर रहा है। ठीक है, तो एक आदमी ये भला और नुकसान कह रहे हैं, भला और नुकसान ये क्या होता है? भला और नुकसान, नफा नुकसान कहें, भला नुकसान तो कोई चीज नहीं होती। नहीं, मतलब किसी को देखिए दो मतलब आप नुकसान को भी फिर कई तरीके से भर सकते, या तो मैं आपको जो है मतलब का फिजिकल हार्म कर रहा हूँ, आपको वेल्थ
आपको इकोनॉमिकली हार्म कर रहा हूँ, आपको मेंटली हार्म कर रहा हूँ। फॉलो द गुड भाई, पहले आप हार्म को ही डिफाइन करें कि आप जिसको हार्म कह रहे हैं किसको आप हार्म कहते हैं और किसको हार्म नहीं कहते हैं। अब आसिम साहब, अब हार्म किसको कहते हैं, अब अगर इसके लिए भी आपको आर्गुमेंट चाहिए तो इट्स वेरी पुअर थिंग। बिल्कुल चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं मेरे नजरिए में क्या होता है। नहीं, हार्म क्या होता है इसके लिए आर्गुमेंट बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे नजदीक सबसे बड़ा हार्म ये है कि आप खुदा को नहीं मानते और लोगों को भी कहते हैं कि मत मानो, ये सबसे बड़ा हार्म है। नहीं, मैं नहीं कहता किसी को कि मत मानो। आप नहीं मानते ना, आप जो है वो खुदा को नहीं मानते। मेरे नजदीक आप अपने आप को सबसे ज्यादा हानि पहुंचा रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं पहुंचा रहा ना अपने आप को। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आप सबसे ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं अपने आप को। आसिम साहब, मैं खुश हूं, मैं ना मान के खुश हूं। ड्रग्स लेने वाला भी खुश होता है, जो ड्रग्स ले रहा होता है, जब वो हाई होता है ना, बहुत मुस्कुराहट होती है उसके चेहरे पे। नहीं तो वो नहीं, वो स्टूपिडिटी है ना, वो अपने हेल्थ को हार्म कर रहा है ना। जिस वक्त वो ड्रग्स में है, मेंटली जिस वक्त वो ड्रग्स में, आपने बताया ना, वो आप बता रहे हैं कि भाई तुमने अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाया। जिस वक्त उसने ड्रग्स ले ली, उस वक्त वो बहुत खुश है, उसको इसका एहसास ही नहीं है, वो तो मजे में, उसकी खुशी को तो बोलते हैं हाय जी। तो मुफ्ती साहब, इसीलिए तो मैंने बोला ना, गुड और बैड कुछ नहीं होता, ये स्टूपिडिटी होती है कि वो अगर वो लेके सोच रहा है, वो लेके सोच रहा है कि मैं अपना भला कर लिया है। आपने स्टूपिडिटी, उसी तरह मैं कह रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि आप बड़े खुश हैं, भला कर रहा हूँ, लेकिन आप सब ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। आपने स्टूपिडिटी को लिंक किया हार्म से, और हार्म क्या होता है इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे आप। नहीं मैं अरे हार्म, अब हार्म को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताइए। बिल्कुल डिफाइन करना पड़ेगा हार्म को भाई। आपने एक टर्म यूज किया है कि आपने कहा कि गुड बैड कुछ नहीं होता, स्टूपिडिटी नॉन स्टूपिडिटी होती है। स्टूपिडिटी नॉन स्टूपिडिटी किससे लिंक है, वो हार्म से लिंक है। अब किसी को पता ही नहीं हो कि हार्म क्या होता है, तो वो स्टूपिडिटी नॉन स्टूपिडिटी को कैसे समझेगा। जो नॉन स्टूपिडिटी स्टूपिडिटी को नहीं समझेगा, वो अच्छे भले को नहीं समझेगा, तो कुछ नहीं समझ पाएगा। अच्छा आसिम भाई, कमाल की बात ये कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, इसके बावजूद नाम फॉलो द गुड, जब कुछ है ही नहीं तो किसको फॉलो करें। तो नहीं क्या लिखू, नहीं क्या लिखू, फॉलो द नॉन स्टूपिडिटी, व्हाटएवर। आप कह दो, आपका वर्ल्ड्यू है ना, आप कुछ भी लिखें, लेकिन ये ना लिखें, क्योंकि अच्छा बुरा तो होता ही नहीं ना कुछ भी। हाँ तो मैं चलो ये लिख देता हूँ, फॉलो द नॉन स्टेबिलिटी। हाँ व्हाटएवर, आप ये ना लिखें, क्योंकि गुड तो है नहीं ना। नहीं, मेरे लिए नॉन स्टूपिड होना गुड है, मेरे लिए नॉन स्टूपिड होना गुड है। ठीक ठीक, तो आप इसको चेंज करना है कर लें, और हार्म को डिफाइन कर लें। हार्म क्या होता है? हार्म यही होता है कि मैं आपको मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, इमोशनली आपको कोई भी परेशान नहीं होना करना चाहिए, जिससे आपको कोई भी तकलीफ हो। ठीक है, आप एक बच्चे को सुबह सुबह, आप अगर शादी नहीं हुई आपके, आपके घर में देखा होगा, आप एक बच्चे को सुबह सुबह 6 बजे उठा देते हैं, वो रोता है, धोता है, वो स्कूल नहीं चाहता है, और वो मेंटली हार्म फील करता है, आप क्या उसको हार्म पहुंचा रहे हैं स्कूल भेज के? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं, ये हार्म क्यों नहीं है? वो तो भाई अपने आप पे प्रेशराइज फील कर रहा है, वो तो नहीं जाना चाहता, नहीं करेगा ना, स्कूल नहीं जाना, नहीं करेगा, करता है, करेगा, करता है वो भाई, करता है, हमने बचपन में खुद किया है। तो अगर वो कर रहा है तो वो स्टूपिड है, अगर वो हार्म फील कर रहा है तो स्टूपिड। अच्छा, वो अब स्टूपिड हो गया, अब आप स्टूपिड नहीं है। वो बच्चा जो के अपने आप को फील कर रहा है कि भाई मुझे स्कूल नहीं जाना, और जबरदस्ती आप उसको सुबह सुबह उठा के, उसका उठने का मन भी नहीं है, उसको उठा के जो है वो तैयार करके स्कूल भेज रहे हैं, वो बच्चा अब स्टूपिड हो गया। आप नहीं स्टूपिड हुए आसिम भाई, अगर इसको मान लिया जाए ना कि वो बच्चा स्टूपिड है, हालांकि वो फील ये कर रहा है कि उसको हार्म किया जा रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि स्टूपिडिटी की एक ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल डेफिनेशन है, राइट? अगर उसकी डेफिनेशन है एक ऑब्जेक्टिव, तो उसको आप ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करेंगे। अब आप हार्म के जरिए नहीं कर सकते, जो हार्म तो बहुत सब्जेक्टिव है। मेरी आवाज आई? आई आपकी आवाज। जी जी, आ रही है जी, फॉलो द गुड। नहीं, अभी अभी उसका मेंटल लेवल इतना नहीं है कि वो जो है ये समझ सके कि जो है इससे मेरे को हार्म हो रही है, क्या हो रही है। सेम यही बात उसको बताना पड़ेगा, वो आपको उसको बताना पड़ेगा। इसलिए वही मैं कह रहा हूँ कि आपका भी अभी वो लेवल नहीं है कि आप गॉड का इनकार करके नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको हार्म हो रहा है नहीं हो रहा है। तो फिर मुफ्ती साहब, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, इससे मेरे ऊपर, मेरी खुशियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। बच्चा अगर कहे तो खुशियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहता बड़ा जबरदस्त पूरे दिन खेलने को मिल रहा है, खुशी रहता है वो। अरे
नहीं मुफ्ती साहब, इसमें इसमें मैं किसी को ना तो किसी मतलब किसी को वैसे हार्म कर रहा हूँ, ना मैं किसी को जो है इमोशनली हार्म कर रहा हूँ, ना इकोनॉमिकली हार्म कर रहा हूँ, किसी को किसी चीज से हार्म नहीं कर रहा हूँ। बच्चा भी तो स्कूल नहीं जाके किसी को हार्म नहीं कर रहा ना। नहीं मुफ्ती साहब, अगर आपके बच्चे हैं और वो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? भाई हमारी बात आप उसे क्या करेंगे, हमारा तो वर्ल्ड व्यू अलग है, आप अपने वर्ल्ड व्यू को पेश कर रहे हो। अच्छे बुरे का, अच्छे बुरे का मुफ्ती साहब कोई वर्ल्ड व्यू नहीं होता है। इनके ही लॉजिक को ले लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि मेरे अगर जानने वाले लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, अगर वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो मुझे बुरा फील होगा। भाई आप मेरे ह्यूमन बीइंग फेलो हो, मेरे भाई हो, इंसानी भाई हो, आप खुदा का इंकार। आप उसे नहीं, आप उसे क्या कहेंगे, अरे बेवकूफ पढ़ने जा, बेवकूफ स्टूपिड ही कहेंगे ना उसे। अरे उसी तरीके से आप हमारे इंसानी भाई, हम कहते हैं अरे बेवकूफ खुदा को मान ले। उसी तरीके से हम कहते हैं मेरे भाई कि तू हमारा इंसानी भाई है, क्यों अपना नुकसान कर रहा है, क्यों अपनी नाकामी मोल ले रहा है, क्यों आखिरत में नाकाम होगा, भाई खुदा को मान ले, उसके हुक्म को मान ले। नहीं क्या नुकसान होगा मुझे अगर मैं नहीं मानूंगा तो? भाई आप नाकाम हो जाओगे हमेशा, हमेशा के लिए आपकी नाकामी है। अच्छा अगर यही सवाल बच्चा करे जो स्कूल नहीं जा रहा हो, किसमें मेरा क्या नुकसान है, तो आप ये कह देते हैं मेरी तरफ मेंटल लेवल तभी तो मैं नुकसान को इवैल्यूएट कर सके, तो क्या हम यही बात आपको कह सकते हैं? हाँ नहीं तो वो जो है ना वो बाद में उसको पता लग जाएगा क्या नुकसान है, तब वो फील करेगा कि मैं उस टाइम ये अगर हम आपको कहें कि आपको बाद में पता चल जाएगा जब आप मरेंगे। नहीं आज तक किसी को पता नहीं लगा ना, आज तक किसी को पता नहीं लगा, आज तक किसी को पता नहीं लगा ना। बच्चे को भी बच्चे होते हुए पता नहीं लगता, बड़े होके पता लगता है। हाँ तो मैं जो है मेरे एंड टाइम तक भी मुझे पता नहीं लगेगा अगर मैं अच्छा काम कर पता चलता है जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, जब जिंदगी गुजारता है तो हमारे नजदीक जो असल जिंदगी आखिरत की, जब वहां जाएंगे पता चल जाएगा। मुफ्ती साहब जैसे मैं अगर अभी ऐसे काम कर रहा हूँ, नॉन स्टूपिड काम करता रहूंगा, तो मुझे कभी पता नहीं लगेगा कि मुझे क्रिएटर को मारने की जरूरत है या नहीं। भाई एक बात सुनिए, ये जो आप स्टूपिड नॉन स्टूपिड, ये जो आपने इस्तिलाहात, ये टर्मिनोलॉजीज कोइन की है ना, इनका कोई बेस है नहीं, आपने आपकी जबान से निकल गया। जैसे प्रूफ कीजिए कोई बेस नहीं है। होल्ड ऑन, जिस तरह जबान से ह्यूमन निकल गया था ना और वो डिफेंड करने नहीं हो पाया उससे, ऐसे ही आपकी जबान से लफ्ज स्टूपिड निकल गया, अब आप इसको डिफेंड कर रहे हो, नहीं रहा है, बात नहीं बन रही। नहीं तो मुफ्ती साहब जो भी वर्ड निकले जो लोगों की जुबान से ही निकले हैं और पहली बार ही निकले होंगे, सोच समझ कर भी ये निकलती हैं, सोच समझ कर जो चीजें निकलती हैं उनको डिफेंड किया जा सकता है। आपने सोच समझ कर नहीं, बस आप एकदम बोलते 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 चले गए, अब आप इसको डिफेंड नहीं नहीं मैं नहीं मुफ्ती साहब, मैंने पहले बोला था कि मैं क्वेश्चन कुछ और सोच के आया था, लेकिन पहले आसिम साहब से पूछा था, लेकिन मेरा क्वेश्चन यही था। जी जी क्वेश्चन आपका कुछ और था, बहरहाल ये बहस बराए बहस हो रही है, जेन्युइन बात मेरी तरफ से, आप एक अच्छे इंसान भले मानस मालूम होते हैं, तो मेरा आपको जो मशवरा है वो ये है कि आपने शुरू में जो पहला आते ही सवाल किया था ह्यूमन के बाद, कि जी मेरा बॉस अगर अब्दुल कलाम अजीम प्रेम जी या टाटा जैसा होगा तो फिर तो मेरे नजदीक वो अहम है। तो मेरे भाई आपका जो वर्ल्ड व्यू है ना वो ये है कि मैं किसी इंसान को अच्छा या बुरा उस वक्त समझूंगा कि उसने ज्यादा से ज्यादा फायदा प्रॉफिट है ना वो किस पहुंचाया है या नहीं, जिसने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाया है कौम को, मुल्क को, कम्युनिटी को, वो अच्छा है और वो हर एतबार से एब्सोल्यूट गुड है, और अगर उसने नुकसान नहीं पहुंचाया तो वो गुड नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही, ये जो मटेरियलिस्टिक इवैल्यूएशन आपने की है, तो आप सिर्फ आपका आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो बता रहा हूं, आप एक मटेरियलिस्टिक माइंड रखते हैं, आप चीजों आप अच्छाई और बुराई को, होल्ड ऑन, आप अच्छाई और बुराई को मटेरियलिस्टिक लेंस से देखते हैं कि भाई इसने मटेरियलिस्टिकली इतना फायदा पहुंचाया, इसकी वर्थ इतनी है, ठीक है, अब्दुल कलाम साहब ने इतने मिसाइल दे दिए, मुल्क को यहां तक लिया, ये सारे के सारे मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। आप अगर मटेरियलिस्टिक अप्रोच में अपने आप को कन्फाइन करके खुदा के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे तो ये खुद एक इरेशनल बिहेवियर होगा, इसके बाहर निकलने की जरूरत है, दैट्स ऑल। नहीं वन लास्ट पॉइंट मुफ्ती साहब, हम आज इस एडवांस एज में पहुंच चुके हैं, आप क्या सोचते हैं विदाउट मटेरियलिस्टिक व्यू से पहुंचे हैं? नहीं मैंने कब कहा कि मटेरियलिस्टिक व्यू जो है यानी मैटर वो गलत है, मैंने ये नहीं कहा, साइंस गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मटेरियलिज्म अलग चीज है और साइंस को इस्तेमाल करना एक अलग चीज है। मटेरियलिज्म का मतलब क्या है, मटेरियलिज्म का साइंस तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। लेट मी टेल यू मटेरियलिज्म किसे कहते हैं, मटेरियलिज्म का मतलब ये है कि जो कुछ है वो मैटर है, मैटर के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप अच्छा इसी तरीके से जो कुछ है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं है,
और वो प्रॉफिट भी दुनियावी प्रॉफिट, यानी मिसाल के तौर पर जिसको आप क्वांटिफाई कर सकें कि भाई एक आदमी जो है मसलन, अगर आप ये कहें तो फिर दाऊद इब्राहिम जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त आदमी है। क्यों? उसकी वजह ये है, उसने होल्ड ऑन, उसकी वजह ये है कि उसने अपने एक खास तबके को, अपने गैंग को बहुत ही प्रॉफिट पहुंचाया है। क्या कहने, ठीक है, इतना प्रॉफिट बिल्डिंग हो गई। तो जैसे वही तो स्टुपिडिटी की कैटेगरी में आता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम को मैं और आप ग्रेट कह सकते हैं, ठीक है, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती होंगी, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान का जो आदमी हो या ये कि वो इंडिया के जो भी मुखालिफ मुल्क है, वो कोई भी मुल्क हो सकता है, चाइना के लोग हों, वो अब्दुल कलाम को ग्रेट ना कहते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रॉफिट और हार्म, प्रॉफिट या जो ये जो लॉस है उसकी बुनियाद पर आप ऑब्जेक्टिवली किसी को गुड और बैड कह ही नहीं सकते। तो मुफ्ती साहब, अगर कलाम साहब को चाइना या पाकिस्तान गुड नहीं कहता तो बहुत से लोग प्रॉफिट को भी गुड नहीं कहते। वो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बात बात प्रॉफिट की नहीं हो रही, बात हो रही है आपने अजीम पर। नहीं, चलो, बहुत से लोग राम श्री कृष्ण को भी अच्छा नहीं कहते। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया कि आपकी इस डेफिनेशन के अतबार से आपके नजदीक एक आदमी गुड बैड हो सकता है, तो फिर दाऊद इब्राहिम को भी आप गुड कहना। नहीं, तो मैंने आपको स्टुपिडिटी की, मुफ्ती साहब, मैंने स्टुपिडिटी की डेफिनेशन दी थी, एक जो अपना नुकसान करता है, एक जो अपना फायदा करता है, दूसरे का नुकसान करता है, और एक सबका नुकसान करता है। क्वेश्चन कर रहा हूं, स्टुपिडिटी ऑब्जेक्टिव है क्या सब्जेक्टिव? मुफ्ती साहब, इतनी टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं पता। चले फिर आगे बात करेंगे, चूंकि देखें जब आप बात कर रहे हैं ना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर, तो ये सारी नहीं आपको नहीं, मुफ्ती साहब, क्या बिना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यूज किए क्या हम इसको नहीं कर सकते? क्या हर आदमी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चीज जानता है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की डेफिनेशन हर कोई जानता है। ये कोई बहुत फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी नहीं, इस तरह के जो डीप डिस्कशन है वो करने वाले जरूर जानते हैं। चले मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, एक जो है जो अक्रॉस स्पेस एंड टाइम किसी चीज को उसी तरीके से समझा जाता हो जैसी वो है, तो वो जो है ऑब्जेक्टिव है। अब मुझे बता दें, और मेरी और आपकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैं समझता हूं कि यानी रिपब्लिकन को, मैं अमेरिका में रहता हूं, मैं समझता हूं कि भाई रिपब्लिकन को जो है वोट देना सही है, और आप समझते हैं कि डेमोक्रेट्स को, ये सब्जेक्टिव ओपिनियन है, दोनों में फर्क है। जी नहीं मुफ्ती साहब, मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है ना 90% लोगों को नहीं पता होगा कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है। मैंने मिसाल से भी एक समझा दिया। चले ठीक है, नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं, यहां तक की बात कर लेते हैं। ओके, थैंक यू मुफ्ती साहब, थैंक यू वेरी मच।